ग्राम पंचायत निवारी में सिर्फ मिट्टी डालकर 12 लाख की रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। कई फर्जी तरीके से बिल लगाकर पैसा निकाला गया। एक रोड नाम से दो दो बार पैसा निकाला गया। कहीं कहीं तो सिर्फ कागजों में ही रोड बना है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। इन सभी भ्रष्टाचार में इंजीनियर की भूमिका भी अहम रही है। यदि इंजीनियर ही पास नहीं करता किसी भी गलत कार्य को तो भ्रष्टाचार का सवाल ही खड़ा नहीं होता। मामला जनपद पंचायत करेली के ग्राम पंचायत निवारी का है, जहां रोड के लिए निकाली गई 12 लाख की राशि से सिर्फ मिट्टी ही डाली गई। रोड निर्माण करते समय निर्माण कार्य व कितनी लागत व लंबाई में रोड का निर्माण करना है, इसकी जानकारी रोड के प्रारंभ में बोर्ड या पत्थर लगाया जाता है, जिसमें सारी जानकारियां लिखी होती हैं। और उस बोर्ड या पत्थर के लिए सरकार लगभग 2000 से 5000 रुपये का बिल भी लगाकर राशि निकाली जाती है। पर भ्रष्टाचार में चूर लोगों ने हद ही पार कर दी। एक ग्रामीण के शौचालय की दीवार को ही बोर्ड का रूप दे दिया। एक तरफ शौचालय और पीछे तरफ रोड का बोर्ड, इसे कहते हैं एक दंत दो काज। ग्राम पंचायत निवारी में 5 वर्षों से सचिव और रोजगार सहायक दोनों पदों को संभाल रहे हैं, जिससे लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ग्राम पंचायत निवारी। बिना रोक टोक दोनों पदों का भार संभाला जा रहा है। अभी तक किसी आला अधिकारियों को इस बात की क्या कोई जातक नहीं थी या जानकारी थी, और मिलीभगत से सब कार्य हो रहे थे। 5 वर्षों में कभी भी दो कर्मचारियों की कमी महसूस नहीं हुई क्या, जो कि एक ही व्यक्ति ने दोनों पद पर 5 साल लगातार अपना राज चलाया है। क्या शिकायत? रोड परेशानी है। रोड की कैसी परेशानी है? खाने से अपने निवारी हम लोगों को रहती है नहीं। अच्छा, तो आवे में हम लोगों के लाने बहुत दिक्कत है। रोड कट गया दूसरी जगह। तो आपके यहाँ रोड अभी तक बनी नहीं क्या? जी नहीं। कब से नहीं बनी? वह तो सिर्फ मिट्टी भर डरी है, 4 साल हो गए जब से रोड बना ही नहीं है। जी नहीं। मिट्टी भर डाली थी जी। बजरा जरा कुछ नहीं डाला? कुछ नहीं। सीमेंट रोड भी नहीं बनाया? कुछ नहीं। निवारी से कितना दूर है आपका गांव? 2 किलोमीटर है। टोला है? कितने परिवार रहते हो वहाँ? 5-6 परिवार है। क्या नाम है? मेरा नाम करीम खान। क्या समस्या है आज आप लोग आए? जी हम लोग रोड के संबंध में आए हैं यहाँ पे, और 1.5 किलोमीटर की रोड है सर, उसमें पुलियाँ कटी हैं, गड्ढे हैं, उनकी कोई मरम्मत नहीं हो रही 4-5 साल से। सरपंच साहब के पास जाते हैं, बोलते हैं उनसे कि इसका कोई काम, तो वो बोलते हैं कि तुम खुद ही करा लीजिए, हमारे पास अभी कोई मतलब पैसे नहीं है रोड के विषय में, आप जो भी करा सकते हैं खुद करा लीजिए। तो वहाँ कब से नहीं बनी रोड? अभी तक बनी नहीं क्या? जब चुनाव हुआ था उसके 1 साल बाद रोड का काम करवाया था उनने, सिर्फ मिट्टी डलवाई थी JCB चलवा के और पुलियाँ डलवाई थी 4। उसके बाद उनने कोई काम नहीं, ना मुरम है, ना रेत, ना बजरी, उसको कुछ नहीं डलवाया। क्या नाम है? लेखराम। कौन से गांव से आए? निवारी। आज कलेक्ट्रेट आए, क्या संबंध में आए? जी हमारे रोड के संबंध में। कैसा रोड के संबंध में? सर 4 साल हो गए, मिट्टी भर डरी हमारे यहाँ की रोड पे। हाँ, वहाँ पे बजरा वजरा कुछ नहीं डरा। तो आपको निकलने में परेशानी होती? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी रोड नहीं बना वहाँ? वहाँ पे रोड नहीं बना। सरपंच सचिव से शिकायत की आपने? शिकायत की दो क्या, बार। क्या बोल रहे? वो कहते हैं सर मिट्टी भर, मिट्टी का पैसा आया और मिट्टी डलवा दी। कितना पैसा आया था बताया तो कुछ? उनने 12 लाख रुपये आया है लिख दिया है। हाँ, हमारे यहाँ की लेटरिंग पे। अच्छा, लेटरिंग पे लिखा है बोर्ड में? बोर्ड में लेटरिंग पे लिखा है कि 12 लाख रुपए की राशि। लेटरिंग पे क्या लिखा है? लेटरिंग पे लिखा है कि 12 लाख रुपए का काम हो चुका है, इस पर कंक्रीट हो चुकी है।